हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन 2। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स क्वेश्चन शेयर करें उनमें से एक भी को भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ऑल टॉपिक्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग की टू यूनिट्स फर्स्ट एंड सेकंड फुल्ली डीसी मशीन पर बेस्ड हैं और थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो कि सिंक्रोनस मशीन पर बेस्ड हैं। दोस्तों, आपको फर्स्ट और थर्ड यूनिट पढ़ना कंपलसरी है। आप फर्स्ट नहीं पढ़ोगे तो सेकंड समझ में नहीं आएगा और थर्ड नहीं पढ़ोगे तो फोर्थ और फिफ्थ समझ में नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट और थर्ड को प्रायोरिटी देना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको यूनिट नंबर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहला डीसी मशीन। तो दोस्तों, डीसी मशीन यूनिट का नाम ही है, तो पूरे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल डीसी मशीन पर ही बेस्ड होंगे। तो दोस्तों, डीसी मशीन का आपको डायग्राम, मेन पार्ट्स, वर्किंग प्रिंसिपल और क्लासिफिकेशन, ये चार चीज़ पढ़ना है। तो ये चारों चीज़ में आपका एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाएगा जो कि 7 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका EMF इक्वेशन आ रहा है जो कि डीसी मशीन पर बेस्ड है, इसको आपको कर लेना है। ये 2018 में आया था और अभी ये और सेमेस्टर आपका चल रहा है, तो इस बार चांसेस हैं 2022 में आने की। आर्मेचर रिएक्शन भी मोस्टली टाइम पूछ लेता है, व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन एंड इट्स इफेक्ट, इफेक्ट क्या पड़ते हैं इसके और हाउ टू मिनिमाइज, इसके कुछ मेथड है यानी कि कुछ पॉइंट है, वो आप पढ़ लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज कम्यूटेटर, व्हाट इज कम्यूटेशन। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं और बोले तो एक ही है, तो इसको आपको पढ़ लेना है ये क्या है और इसके कुछ इम्प्रूविंग मेथड हैं, साथ के साथ उनको भी पढ़ लेना। अब जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा कर देखोगे तो आप देखोगे उसमें कि कुछ बार शॉर्ट नोट्स भी पूछा है, तो इनको भी आपको कर लेना है। लेप बाइंडिंग एंड वेब बाइंडिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और लेप बाइंडिंग एंड वेब बाइंडिंग की डिफरेंस भी पूछ लेता है। इसके बाद आपका हो गया मेटाडाइंट एंड एम्प्लीडाइंट मशीन, क्रॉस फील्ड डीसी मशीन एंड ब्रशलेस डीसी मशीन। ब्रशलेस और क्रॉस फील्ड डीसी मशीन जो है वो लगभग आपका शॉर्ट नोट्स में ही आ जाता है। यहाँ पर कुछ फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, अब हम चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड की ओर। अब आपका यूनिट नंबर सेकंड भी डीसी मशीन पर बेस्ड है जो कि फर्स्ट यूनिट पर बेस्ड है, तो आपको पहले फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करना है, फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है, उसके बाद डीसी मशीन का चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 को तैयार करें। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप दोस्तों, आप सबसे पहले 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर सबसे पहले कर लीजिएगा, मोस्टली टाइम आ जाते हैं। साथ के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर एंड 4 पॉइंट स्टार्टर में डिफरेंस भी पूछ लेता है। अब ये स्टार्टर क्या है, इसका यूज़ क्या है, ज़रूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज, व्हाई इज नेसेसरी, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब स्पीड कंट्रोल के लिए कुछ मेथड्स दी हुई हैं आपकी यूनिट नंबर सेकंड में, जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन है, वेरियस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। ये भी दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, इनको आप पढ़ लीजिएगा इन डिटेल। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा जो एक्सप्लेन ऑल लॉसेस इन डीसी मशीन। दोस्तों, मोटर में आप जैसे कि आपका एसी मशीन हो गया, इसमें भी आपने लॉसेस पड़े होंगे, कुछ लॉसेस इसमें भी दोस्तों डीसी मशीन में होते हैं, जो कि दोस्तों जैसा एसी मशीन का है वैसा ही डीसी मशीन का है, कुछ ही डिफरेंस होंगे, तो आपको लॉसेस पता ही होंगे, थोड़ा इसको रिविजन कर लीजिएगा, लेकिन पूरे पढ़िएगा, इसका एक स्ट्रक्चर है वो आप याद कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी। आप कुछ इसके टेस्ट वगैरह हैं जो कि 2 से 3 हैं, उसमें से आपका फ्रेमवर्क्स जो टेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है ये कम आता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसके आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस, वर्किंग और डायग्राम कर लेना है। ये ऊपर वाला फ्रेमवर्क्स टेस्ट अच्छे से कर लेना, ये आ सकता है। फर्स्ट यूनिट में आपका EMF इक्वेशन दिया है, ऐसा ही आपका बैक EMF इक्वेशन दिया है यूनिट नंबर सेकंड में, थोड़ा डिफरेंस है, कर लेना, एक बन जाएगा तो दूसरा भी आराम से बन जाएगा। इसके बाद टॉर्क इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों ये चारों पॉइंट एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स एप्लीकेशंस, दोस्तों ये कभी कभी एप्लीकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लेता है, तो एप्लीकेशंस अच्छे से कर लेना और टॉर्क और बैक EMF इक्वेशन। दोस्तों, यहाँ पर आपकी 2 यूनिट कंप्लीट होती हैं, तो अब हम 3rd यूनिट की तरफ चलते हैं। रुको जरा, सबर करो। अब कुछ इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF अवेलेबल करवाइए ऑल यूनिट्स का। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक्स वगैरह बता रहा हूँ, अभी मैंने जो पिछला जो आपका पावर जनरेशन का था उसमें आपको इस टाइप की टॉपिक्स बताए थे, जिसके बाद मैसेज आ रहे थे कि टॉपिक्स समझ में नहीं आ रहे हैं, 4th सेमेस्टर में 2-2 सब्जेक्ट में बैक लगी है
और फिफ्थ सेमेस्टर में भी अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, फोर्थ के भी सब्जेक्ट क्लियर करने हैं और साथ के साथ फिफ्थ सेमेस्टर में भी इंक्रीज करना है CGPA। तो अगर यूनिट वाइज ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, हम लोगों को आसानी भी हो जाएगी, साथ के साथ क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है। तो दोस्तों आप लोगों की डिमांड पर चारों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF यूनिट वाइज अवेलेबल है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर सब्जेक्ट नेम जो लिखा हुआ है उसके नीचे ब्लू कलर की लिंक अवेलेबल है, प्रोवाइड है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका गूगल ड्राइव का जो है ऐप खुल जाएगा, उसमें आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें आपके यूनिट वाइज ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल हैं। दोस्तों इसका कुछ कॉस्ट है यार, जो कि आपके पिज्जा के कॉस्ट से भी बहुत कम है, ओनली 99 रुपीज़। तो दोस्तों अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, लोग 500-500 रुपये का, 600-600 रुपये का एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पेपर ख़रीदते हैं एग्जामिनेशन के पहले, और जब एग्जामिनेशन देकर आते हैं तो बोलते हैं 600 रुपये चले गए पानी में, 700 रुपये चले गए और कुछ भी नहीं आता, एक भी क्वेश्चन नहीं आता। और आपको यहाँ पर ऑलरेडी यूनिट वाइज ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको 99 रुपीज़ में प्रोवाइड हो रहे हैं, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं आपको इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपके सब सब्जेक्ट का शेयर कर ही दूंगा, तो अगर इससे समझ में आ जाता है तो इससे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और थर्ड यूनिट को प्रायोरिटी देकर सबसे पहले करना, क्योंकि अगर फर्स्ट नहीं करोगे तो सेकंड समझ में नहीं आएगा, और अगर थर्ड नहीं करोगे तो फोर्थ और फिफ्थ समझ में नहीं आएगा। लेकिन थर्ड यूनिट में भी दोस्तों सिलेबस फोर्थ और फिफ्थ के अकॉर्डिंग सेम ही है, तो दोस्तों थर्ड यूनिट को आप अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों आपका यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, साथ के साथ कुछ मेथड्स दी गई हैं, दो मेथड्स इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है आपका सिंक्रोनस मशीन, जो इसमें क्वेश्चन मोस्टली टाइम पूछता है व्हाई आर नॉट सेल्फ स्टार्ट सिंक्रोनस मशीन। ये दोस्तों अच्छा टॉपिक भी है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, साथ के साथ शॉर्ट नोट में भी पूछ लेता है और कभी कभी एक्सप्लेन इन डिटेल भी पूछ लेता है। इसके दोस्तों आपको हार्मोनिक एंड वेवफॉर्म जो कि इसके कॉजेज हैं, इसकी एक EMF इक्वेशन भी मिल जाएगी। ये तीन टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना, एक ना एक आ ही जाएगा। आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस करना है साइलेंट एंड नॉन साइलेंट पोल, साथ के साथ फुल पेज एंड शॉर्ट पेज बाइंडिंग। ये दोस्तों डिफरेंस पूछ लेता है साइलेंट एंड नॉन साइलेंट का, साथ के साथ ये फुल पेज वाला भी कभी कभी पूछता है, तो कर लेना दोनों को तैयार। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है शॉर्ट नोट्स में भी पूछा है कभी कभी, साथ के साथ डिटेल में पूछा है, तो आप मीडियम पढ़ लीजिएगा, आइडिया लग जाएगा आपको अगर क्वेश्चन आ गया तो कि क्या लिखना है, डायग्राम है तो डायग्राम बना देना। इसमें आपका डैम्पर वाइंडिंग है और टर्बो एंड हाइड्रो अल्टरनेटर्स, ये दोनों ही टॉपिक आपके शॉर्ट नोट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों थर्ड यूनिट से आप 3 से 4 जो क्वेश्चन है आपके ये अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो थर्ड यूनिट आपका कंप्लीट हो गया। अब बचा आपका फोर्थ और फिफ्थ। अब यूनिट नंबर 4 में आपके जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका 70-80% फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ये जो थर्ड वाला SCR है, वोल्टेज SCR, ये आपका वो वाला SCR नहीं है जो कि आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अवेलेबल है, ये दूसरा SCR है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। 3 इसके सिक्वेंस वगैरह, ये सिक्वेंस वाला जो थर्ड क्वेश्चन है इसका, सॉरी थर्ड टॉपिक है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप फोर्थ और फिफ्थ देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिट नंबर 5 की ओर चलते हैं। यूनिट नंबर अगर 5 में बात करें, सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 50 कर लीजिए। ये जो 3 आपकी मोटर दी हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये फोर्थ नंबर यानी कि टोटल 5 मोटर्स के बारे में दी गई हैं डिटेल, तो आप इन 5 को अच्छे से कर लीजिएगा, 1 या फिर 2 क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएगा। इसके बाद आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व, ये भी दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है। हालांकि दोस्तों ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एप्लीकेशंस व्हाई डज नॉट हैव स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ये दोस्तों आपने पहले पढ़ा रखा हुआ है, तो इसको आपको रिवीजन करना है तो आपका ये भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है 10 मिनट का, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि दोस्तों मैंने आपको बताया ही है कि अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप PDF ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आपको अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।